नेपाल में बाढ़ ने तबाही मचाई है। तेज बहाव में बहे पुल, बाढ़ से अब तक करीब 192 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ में 6 फुटबॉल खिलाड़ियों की भी मौत हो गई है। और नेपाल में आई बाढ़ का दिखा रौद्र रूप, चारों तरफ सैलाब नजर आया, खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ सकती। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही का मंजर, सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम लगातार जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त, सुरक्षा एजेंसियों की मदद से बचाव अभियान जारी। बाढ़ लैंडस्लाइड में लापता लोगों की तलाश जारी, मलबे से निकाले जा रहे हैं शव, भारी बारिश की वजह से अचानक सैलाब में फंस गए कई लोग। आसमानी आफत की चपेट में आया नेपाल का टीका भैरव मंदिर, चारों तरफ दिखे बर्बादी के निशान, पानी में डूबे नजर आए मंदिर। नेपाल में बाढ़ के बाद सब्जी मंडी में आया सैलाब, नेपाल के कई जगहों में भारी बारिश के बाद बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। सीतामढ़ी में नदियों का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, कई गांव पर टूटा बाढ़ का कहर, लोगों के घर में पानी भी घुसे। बिहार में बाढ़ के बाद की तस्वीरें सामने आई, हर तरफ तबाही का मंजर, पानी में डूबे नजर आए कई घर। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, लोग पलायन करने के लिए मजबूर, नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं लोग। नेपाल से पानी छोड़े जाने का सुपौल में दिखा असर, बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए और खेतों में पानी भरने के बाद कई फसलें बर्बाद हो गई। अररिया में बाढ़ से हाल बेहाल, लोगों के घरों में घुसा पानी, रेलवे ट्रैक हुआ जलमग्न, भारी बारिश का अलर्ट जारी। दरभंगा में भी नदी का बांध टूट गया, आसपास के कई गांव में भरा पानी, तेज बहाव की वजह से सड़क बह गई। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने बरपाया कहर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां, घरों में भरा पानी, लोग छतों पर रहने को मजबूर। मुजफ्फरपुर के अराई क्षेत्र में करीब 500 घरों में घुसा बाढ़ का पानी, तटबंध के बाहर बसे हुए लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, घाघरा नदी में कटान के चलते टूटा कई गांव का संपर्क, लोग हुए बेघर। और हवा के बीचों बीच तार पर साइकिल चलाते हुए नजर आया एक युवक, युवक के पहाड़ों के बीच करतब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। दिल्ली के द्वारका में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, चालक ने समय रहते बचाई अपनी जान, कार जलकर हुई खाक। और भयंकर हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, तेज रफ्तार से आ रही कार ने मारी टक्कर, चालक की लापरवाही की वजह से हादसा। बदायूं में कुत्ते के साथ की गई क्रूरता, युवक पर कुत्ता मारकर उसे गायब करने का आरोप, कुत्ते को पकड़कर हवा में लहराने का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक, आदमखोर पिंजरे में हुआ कैद, खेत की रखवाली कर रहे किसान को तेंदुए ने निवाला बनाया था। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वन विभाग ने बाघिन T83 को पकड़ा है, 3 साल बाद बाघिन को पकड़ने में सफलता मिली है, लोगों ने राहत की सांस ली। आज जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी, लगातार 3 मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है, इलाके में छिपे हैं आतंकी। उधर राजौरी में भी सेना का ऑपरेशन जारी, आतंकियों की खोज में सर्च ऑपरेशन, लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पीएम मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान सामने आया और कहा कि जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, का खड़गे ने दिया बेतुका बयान, कांग्रेस के मन में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नफरत और डर का माहौल। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना और कहा कि जनता के दिलों में मोदी हजारों साल तक बसे रहेंगे। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर बास करते रहेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा तबीयत खराब जाने तो पीएम ने फोन करके खड़गे का हालचाल लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है ये खड़गे के बयान से उजागर हो गया। खड़गे साहब का दोष नहीं है, ये कांग्रेस की फितरत है, क्योंकि कांग्रेस को अब लूट और भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो एक प्रकार से मानसिक रूप से दिवालिया होती जा रही है।
अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी, 8 अक्टूबर को मिलेगा सम्मान। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभिनेता सोच भी नहीं सकता, लिटरली मैं बागरुद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। प्रधानमंत्री मोदी ने अभिनेता मिथुन को दी बधाई। मिथुन चक्रवर्ती का बताया सांस्कृतिक प्रतीक। बिजनौर में सपा विधायक महबूब अली का विवादित बयान सामने आया और कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, बीजेपी का राज खत्म हो गया है, मुगल नहीं रह पाए तो तुम क्या रहोगे। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, ये काम तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं जा सकता इसके अंदर, आप जाएंगे जरूर। धारावी में अवैध निर्माण हटाने का काम जारी, मस्जिद ट्रस्ट खुद तोड़ रहा अवैध निर्माण, कोर्ट से राहत न मिलने पर तोड़ा जा रहा निर्माण, बीएमसी ने मस्जिद ट्रस्ट को अल्टीमेटम दिया था। उत्तर प्रदेश में आज कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने का अंतिम दिन है, जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन। आप सांसद स्वाति मालीवाल डेंगू से ग्रसित, जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में एक हफ्ते में 300 से ज्यादा केसेस मिल गए, रोकथाम में एमसीडी नाकाम। मणिपुर के सीएम एन वीरेन्द्र सिंह ने हिजाब इरा बोट की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है और कहा है कि हिजाब इरा बोट के सप्तों के मणिपुर का निर्माण करेंगे।